एवरीवन, वेलकम बैक टू अभिशना व्लॉग्स। सो वापस आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ। सो दिस व्लॉग इज नॉट अ विजिट टू अ कैफे और घूमने फिरने वाला व्लॉग। ये वाले व्लॉग में हम बात करने वाले हैं आज कुछ रियली स्पेशल टॉपिक पे। सो सी, आप लोग को पता है कि काफ़ी टाइम से हम बहुत सारे ऐप्स में काम कर रहे हैं। आई मीन वी हैड बीन वर्किंग ऑन टिकटॉक, देन उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब एंड पता नहीं बहुत सारे ऐप्स। सो देखा जाए तो फर्स्ट अर्निंग जो मेरा ऐप रहा है दैट वॉज रोपोसो, जहाँ पे अभिषेक एंड आई ऑल्सो यूज टू मेक वीडियोज इंडिविजुअली, सेपरेटली हम लोग बनाते थे। एंड उसके बाद अभी फिलहाल बात करें तो हम एक ऐसे ऐप की बात करने वाले हैं जो कि यू नो बाकी जैसे ऐप्स इंस्टाग्राम और यूट्यूब के पास बहुत ज़्यादा फेम एंड ऑल है, वैसे ही यू गाइज नो दैट स्नैपचैट इज़ वन ऑफ द ऐप दैट इज़ वर्ल्ड वाइड यूज बाई एवरीवन। सो यू गाइज नो दैट स्नैपचैट का क्रेज़ उसके लेंसेज के लिए बहुत ज़्यादा रहा है एंड स्पेशली इन इंडिया। बट थोड़े ही टाइम पहले स्नैपचैट का एक फीचर दैट वॉज स्पॉटलाइट इज ऑल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन स्नैपचैट। दैट इज जस्ट लाइक यू कैन से सेम एज लाइक द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स, क्योंकि वैसे ही शॉर्ट वीडियो होती है जहाँ पर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं एंड अगेन जो भी आपके स्पॉटलाइट में लोग देखेंगे व्यूवर्स, सो दे गोना फॉलो यू ओवर there also just like on Instagram. So स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट का स्पॉटलाइट फीचर मे बी हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कब इंट्रोड्यूस हुआ था, मे बी इन 2021 और 22, बट मैंने पर्सनली स्नैपचैट का स्पॉटलाइट वाला जो फीचर था वो आई थिंक सो 2022 के एंड में ही चलाना स्टार्ट किया था। एंड आई यूज टू पोस्ट माय ओन वीडियोज जो मैं इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट करती थी, बट ड्यूरिंग 2023 मैंने ऐसे ही एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कुछ लिखा हुआ था, यू नो टेक्स्ट बेस्ड वीडियो था। And suddenly I found that after 1 week or 2 weeks it got viral. I mean इतने ज़्यादा view नहीं but around about ऐसा बोल सकते कि 10K के आसपास उसमें view आ गए थे। सो उसके बाद मुझे लगा कि शायद ये वाला कंटेंट यहाँ पे जा सकता है और उस टाइम पे स्पॉटलाइट था भी काफ़ी न्यू, सो मैंने वहाँ पे वीडियोस बनानी स्टार्ट करी। देन अगेन ऐसा हुआ कि 1 महीने के अंदर एक वीडियो मेरी 1 मिलियन के आसपास चली गई। बट बेसिकली आई डिडंट न्यू द एक्चुअल क्राइटेरिया कि मतलब रिक्वायरमेंट है क्या, सो पता ही नहीं चल रहा था कि रेगुलरली वीडियोज पोस्ट करनी है या कुछ सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए पोस्ट करनी है, वॉचिंग आवर्स क्या है ऐसे करके। तो उसके बाद मैंने बहुत सारा उसके ऊपर सर्च किया एंड फाइनली आई फाउंड कि 50K सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, आई मीन 50K फॉलोअर्स आपके होने चाहिए आपके पब्लिक प्रोफाइल में। तो मैं पहले बता दूं कि अगर आप लोग को स्पॉटलाइट कहीं पे पोस्ट करना है तो उसके लिए आपको पहले पब्लिक प्रोफाइल बनाना पड़ता है अपना स्नैपचैट पे। सो 50K वॉज टू मच, बट 5K से ऊपर मेरे हो गए थे तो आई जस्ट फेल्ट कि ओके आई कैन डू लाइक दैट, देखी जाएगी जब भी मोनेटाइजेशन होगा ऐसे करके। बट फाइनली ऑन 1st August 2023 स्नैपचैट के कुछ रूल्स चेंज हो गए एंड वहाँ पे पता चला कि यू नो अकाउंट्स आर गेटिंग मोनेटाइज्ड। सो बहुत सारे अकाउंट्स को उस टाइम पे मोनेटाइजेशन वाला फीचर मिल गया। उससे पहले शायद स्नैपचैट का क्राइटेरिया कुछ ऐसा था कि आपके जैसे आप आज वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो उसके व्यू के बेसिस पे विद इन 1 वीक आपको आपका जो भी क्रिस्टल्स आप अर्न करते थे वो आपको मिल जाता था। तो वहाँ पे ऐसा कुछ रैंडम केस था जहाँ तक मैंने वीडियोज से सीखा है और जो मैंने पढ़ा है। बट 1st August 2023 के बाद देयर वॉज समथिंग कॉल्ड एज मंथली पेमेंट। सो ऐसा कुछ मंथली पेमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जो उनके टॉप क्रिएटर्स और जिन लोगों की वीडियोज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है तो उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो स्नैपचैट पे करेगा। सो मुझे जो फर्स्ट मैसेज आया था स्नैपचैट की तरफ से फॉर द क्रिस्टल्स फॉर द मोनेटाइजेशन वॉज ऑन अराउंड 21st of September, जो कि मुझे आया था 1st of August तक के सबमिशन के लिए। एंड वहाँ पे लाइक 3000 क्रिस्टल्स आई रिसीव एंड 3000 क्रिस्टल्स का जो कन्वर्जन था इट वॉज अराउंड $300। सो आई फाउंड दैट पीपल आर रिसीविंग मोर देन दैट ऑल्सो बेस्ड ऑन देयर रीच एंड व्यूज कितने हैं। तो मुझे $300 का फर्स्ट पेमेंट जो था वो मिला। दैट वॉज रियली ऑसम फॉर मी ऑल्सो। एंड जब ये क्रिस्टल्स मेरे अकाउंट पे आए तो मुझे वहाँ पे कुछ 3 स्टेप्स का ऑप्शन मिला था, जहाँ पे मुझे अपनी पर्सनल डिटेल्स एक W-18 फॉर्म जिसे हम बोलते हैं उसे फिल करना कंपल्सरी था एंड वहाँ पे मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे जिससे कि मैं अर्न कर सकती हूँ। एंड उसमें से एक तो स्पॉटलाइट का ही था एंड सेकेंड वॉज ऑल्सो फॉर द चैलेंजेस जो कि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है इंडिया में, एंड द थर्ड वन वॉज फॉर द लेंस क्रिएशन। सो मुझे 3 ऑप्शंस मिल गए
गए थे वहाँ पे फाइनली. सो अर्निंग की बात करें तो सी मेन चीज़ जो है स्पॉटलाइट में अर्न करने के लिए, दैट इज़ योर ओरिजिनल कंटेंट दैट यू नीड. एंड वैसे तो स्नैपचैट इज स्टिल वर्किंग, मतलब बहुत सारे लोगों का शायद ऐसा भी है कि वो लोग कहीं से कॉपी कर रहे हैं वीडियोज़, तो शायद मोनेटाइज हो रहा है. बट सून स्नैपचैट इज़ ऑल्सो यू नो लुकिंग फॉरवर्ड कि सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट जो है सिर्फ वही वहाँ पर अपलोड हो और उसी पर मोनेटाइजेशन हो. सो ऐसे ही मुझे फर्स्ट पेमेंट मिल गई, आई मीन अराउंड अक्टूबर में, मुझे अक्टूबर 20th के आसपास या 19th के आसपास मुझे अपना फर्स्ट पेमेंट फाइनली मेरे इंडियन अकाउंट में आ गया था. सो इट हैज़ बीन अ रियली ऑसम जर्नी, बिकॉज कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा अभी से. फाइनली वहाँ से पता चला कि रिक्वायरमेंट्स जो है स्नैपचैट की वो सारी वहाँ पे चेंज हो गई थी 1 अगस्त को. उनके कुछ बहुत सारे नए टर्म्स एंड कंडीशंस आ गए थे जिससे कि बहुत सारे लोगों का जो स्नैपचैट अकाउंट है उन लोगों को वहाँ पे ये ऑप्शन मिल गया कि वो लोग मोनेटाइज करवा सकते हैं अपने चैनल को. बस ये चीज़ है कि आपको अपना कंटेंट वहाँ पे ओरिजिनल. सो देखा जाए तो कभी सोचा भी नहीं था कि स्नैपचैट से कोई इनकम आएगी, बट ऐसे ही मैंने फिर दूसरे लोगों को भी समझाया कि ना यू गाइज कैन ऑल्सो ट्राई, बिकॉज इफ़ आई कैन गेट इट यू पीपल कैन ऑल्सो गेट इट. सो अगर आप लोग को स्नैपचैट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन करना है और यू वॉन्ट कि मैं उस पर वीडियोज़ क्रिएट करूँ, सो देन आई एम गोइंग टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन. थैंक यू.